ये परहंडा गांव है जहां आज से लगभग 2 साल पहले CNCC खोलने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर आज बहुत प्रयास के बाद यहाँ की महिलाएं सेंटर का गर्व से संचालन कर रही हैं। इसी कारण यहाँ के लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है, जिससे गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जा सकता है। आइए सुनते हैं इस CNCC सेंटर की कहानी, इन्हीं महिलाओं की जुबानी। हमारे गांव में जब से सबसे पहले आम सभा हुआ था, उस समय हम लोग के पता चला कि गांव में हमारे कि गर्भवती दीदी और शिशु बच्चे जैसे जन्म लेता 42 दिन के अंदर में हमारे बच्चे बहुत सा मरे थे। तो हम लोग एक आम सभा रखा गया, उसमें पता चला कि इतना उससे पहले इतना बच्चे मर चुका है और गर्भवती दीदी मर चुकी है और बहुत सा ऐसा बच्चा कि कम वजन का बच्चा जन्म लिया। तो हम लोग निर्णय निकाले कि एक इस चीज़ का क्या करना चाहिए। तो आम सभा ने हम लोग को पता चला कि CNCC सेंटर खुलवाया जाए, उसमें हमारे धात्री दीदी एवं गर्भवती दीदी को नामांकन कराया। तो उस दिन से हमको पता चला दीदी कि हम लोग बहाली हुई, जिसे पता चला कि हमारे गांव में इतना दीदी का ऐसा हो रहा है। तो हम लोग CNCC सेंटर जब खोले तो बहुत सा सुविधाएं मिला, हमको ट्रेनिंग मिला उसी तरीक़ा से दीदी को, समूह में जाकर साफ सफाई के बारे में, दीदी को वजन के बारे में, इस जैसे ट्रेनिंग हम लोग को बढ़ता गया BP के बारे में, उनको टीकाकरण क्या होना है, टीकाकरण करवाना चाहिए, आपको वजन करवाना, बच्चे को वजन करवाना चाहिए, कितना वजन बच्चा को होना चाहिए, गर्भावस्था में क्या आपको देना खिलाना चाहिए, इस तरीक़ा से हम अपने समूह समूह जाकर दीदी को समझाते हैं साफ़ सफाई के बारे में। तो हमारे दीदी को नामांकन कराने के दिन भी उस दिन भी दीदी को समझाते हैं आकर, तीनों टाइम हम इस सेंटर पर आते हैं तो नामांकन दीदी को समूह में बता देते हैं, फिर हम अपना सेंटर पर बताते हैं और दीदी को वजन लेते हैं। और फिर दूसरा अगला महीना जब हम दीदी को वजन लेते हैं तो उस दिन को वजन इस दिन बताते हैं कि दीदी आपको वजन पहली बार इतना था 45 kg का था और आपका वजन 1 kg का बढ़ गया 46 kg का। अगले महीना फिर वजन लेते हैं, ऐसे कर कर बच्चे को भी वजन लेते हैं दीदी। तो चार्ट जैसे फिल्म चार्ट है उसको देखा कर CNCC सेंटर खुला था ना, तो कोई दीदी खाने के लिए नहीं चाहती थी। हाँ दीदी, क्योंकि कोई दीदी का हस्बैंड मना करता था कि नहीं खाना खाना है हमको। कोई दीदी कहती थी कि घर में पैसा नहीं है मेरे पास 10 रुपया, तो सब दीदी को घर जा करके समझाएं, नहीं दीदी 3 टाइम 2 टाइम खाना मिलेगा, 1 टाइम नाश्ता मिलेगा, 10 रुपया में क्या है कुछ है दीदी। एक भैया बोले कि उनको समझाने के लिए जब घर पे हम लोग आए तो भैया बोले कि क्या इनको 10 रुपया देंगे, महीना में 300 रुपया देंगे खाने के लिए, तो उतना हमको घर पे होता है। तो हम लोग दीदी से मिल के बोले कि भैया आप हिसाब बताइए कि दीदी को 10 रुपया दे रहे हैं और अपना घर पे कितना पड़ता है आपको खाना बनाने में, क्या क्या चीज़ बनाते हैं। तब बोले भैया कि दाल भात सब्जी ये सब सारा चीज़ तीनों टाइम को बताएं। तो हम लोग बैठाएं जोड़ करके कि दीदी भैया एक दीदी पर बताइए कि 10 रुपया 3 टाइम का लग रहा है आपको, इतना परिवार के लिए आप बता रहे हैं। तो बोले कि ठीक है दीदी, से ऐसा करने से हम सेंटर पर फिर खाना आने के दीदी तैयार हो गई। फिर बोले कि भैया ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, इसमें जैसे दीदी के लिए है कि घर में आप बनाती है दीदी, तो दीदी बनाती है तो आप भी खाते हैं, आपको घर को परिवार खाते हैं तो फिर दीदी खाती हैं, तो ऐसा गर्भवती दीदी को करने से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 10 या 12 बजे जाता है दीदी को बनाते खिलाते, ऐसा करने से दीदी को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा जैसे आप बाहर को बच्चा को देख रहे हैं कि कितना कुपोषित है या नहीं है, क्या खाता है, या भूख लग रहा है तो बच्चा रो रहा है, लेकिन आप बच्चों पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको आप नहीं देख। तो दीदी बोली भैया बोले कि ठीक है, से ऐसा क्या बात है कि आप बता रहे हैं। तो बोले कि जितना भैया जोड़ के जो आपको खाना के लिए हम बताए हैं कि खर्चा है, और एक दीदी पर आपको इतना पौष्टिक हम देने के लिए करें तो क्यों हमको सेंटर पर जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो भैया को बहुत समझाए तो समझ में आ गया, तो और भैया तो बहुत समझ गए, एक दूसरे भैया को भी समझाए कि दीदी ठीक समझा रही है, से हम लोग को पैसा 10 रुपया की अच्छी का लग रहा है और जो खाना वहाँ मिल रहा है 10 रुपये में, जो खाना तो यहाँ नहीं मिलेगा।
उतना टाइम से मिलेगा, घर में तो नहीं खा पा रही है, कभी 12 बजे खा रही, कभी 10 बजे खा रही है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। इसे हम लोग को समझ में नहीं, तो और भैया किसी और भैया को समझाएं, मतलब भैया में भैया समझाने लगे और दीदी में दीदी समझाने लगे कि नहीं हम लोग के ठीक समझा रहे हैं। तो खुद भैया भी अपने से आकर के नामांकन करवा रहे हैं कि मेरी पत्नी को नामांकन कर दीजिए, और खुद दीदी भी आन करके कह रही है कि मेरा नामांकन कर दीजिए। खुद सेंटर पर जीविका सहेली को कोई समझाने का, या भी ओ के दीदी के या स्वास्थ्य कमेटी को कोई समझाने का दिक्कत अब नहीं हो रहा है। जो भैया या दीदी को भी नहीं, सास को भी समझाए तो बोले कि दीदी, सास भी उनको बहुत बोलती थी कि जैसे हमको बहू को बहका देती है, बेटा को बहका देती है, और जाके अच्छा अच्छा खाना खाती है। तो दीदी हम लोग जाके उनको सास के भी समझाएं कि दीदी आपको खाने के सिर्फ सेंटर पर नहीं है, ये माँ सोचेगा कि अच्छा अच्छा सिर्फ खाना खा लेती है, बहू घर में आके सो जाती है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग चार गो जांच बताते हैं कि दीदी को चार गो जांच होना चाहिए, बीपी नापना चाहिए, वजन होना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, जिससे दीदी यहाँ PHG डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जाकर दीदी जांच करवाएं, बच्चा भी वहाँ ही होना चाहिए। यह सब चार पांच बात दीदी को बताएं, वजन करके बताएं कि दीदी के देखिए कि यहाँ दीदी को वजन आपको घर में कितना थी, और अगले महीना हमको सेंटर पर जब गई तो कितना वजन है, भैया को बताएं, उनको सास को बताएं। और बोले कि बोलती थी, एक दीदी बोलती थी कि हमको बच्चा को सेंटर पर खाने से हमको बहुत बड़ा बाती मोटा जैसा बच्चा हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा मोटा जैसा। तो उनको भी समझाएं कि दीदी दिमाग ऐसा नहीं होता है, बहुत तरह के सुविधाएं मिलता है सेंटर पर। सही भैया दीदी को प्रणाम। मेरा नाम सुगी देवी है, परहंडा की निवासी हूँ, विष्णु जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ, आशा ग्राम संगठन के सदस्य हूँ। दीदी हमको सेंटर नहीं खुला था दीदी, तो हम लोग के जो हमको हम लोग के कुछ पते नहीं था दीदी कि सेंटर में मैंने जैसे कि कैसे खान पान के ध्यान है, हम लोग के क्या करना चाहिए, जो चाहते हैं वह हम लोग के पता नहीं था। जानते दीदी हम लोग के जैसे पेट में बच्चा रहता था तो हम लोग के पता नहीं चलता था, सोचते थे कि सबके होता था, मेरा भी हो जाता, तो हम लोग खान पान पर ध्यान नहीं देते थे, चाहे साफ सफाई पर ध्यान भी नहीं देते थे। वह गांव में होता था, कोई दीदी के 3 पौवा का बच्चा, कोई दीदी के 1.5 किलो के बच्चा, कोई दीदी के 1 किलो के बच्चा होता था। हम लोग के पते नहीं था कि हम लोग बच्चा ने क्या चीज़ खान पीन के ध्यान देंगे कि हम लोग के बच्चा अच्छा जन्म लेगा, चाहे क्या चीज़ साफ सफाई करेंगे से हम लोग के साफ सफाई होगा, क्या चीज हाथ साफ करेंगे, क्या चीज करेंगे, तो हम लोग को पता नहीं था। सेंटर खुलने से हम लोग के साफ सफाई के भी पता लगे कि हाथ साफ करने से क्या चीज होता है, नाखून काटने से क्या चीज होता है, खान पान के क्या चीज ध्यान देंगे तो मेरा बच्चा अच्छा जन्म लेगा, अब बच्चा काटा काट कर बनाने से क्या चीज होता है। तो हम लोग के सेंटर खुलने से दीदी हम लोग के पता चला। सभी दीदी को प्रणाम। मेरा नाम गीता देवी है, मैं ग्राम प्रहंडा के रहने वाली हूँ। सेंटर पर यहाँ हमको 3 टाइम आहार खाना मिलता है, सुबह में नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर को खाना मिलता है, फिर शाम को खाना मिलता है, फिर यहाँ आने के पहले आते हैं तो फिर यहाँ बताते हैं कि पहले हाथ 3 टाइम धो लीजिए, तब खाना लीजिए, फिर खाना खाना शुरू कीजिए। फिर हम लोग को सब कुछ की जानकारी टीका के बारे में भी बताया जाता है। पहले टीका लगता था लेकिन हम लोग उतना महत्व नहीं देते थे, टीका में लगवाते थे भी ना भी लगवाते थे, लेकिन अब हम लोग ज़्यादा करके लगवाते हैं। दीदी बोलती हैं कि लगवाइए, और वजन कराते हैं हर महीने, फिर जब होता है तब वजन भी करा देते हैं, टीका भी लगता है। घर में पहले दीदी हम लोग जब खाना बनाते थे तो सबको पहले खिला लेते थे, उसके बाद में फिर बचता था तो खाते थे, ना बचा तो फिर कुछ और भी ऐसे ही खा कर रह जाते थे, तो उससे हमारे बच्चे को दूध वूध में भी कमी होता था, नहीं होता था। यहाँ तो हमको है कि 3 टाइम खाना ही है, पहले से ज़्यादा दूध भी होता है, फिर और जब गर्भवती हैं तो फिर पहले से ताकत इसमें बहुत कमजोरी होती थी, तो अब यहाँ 3 टाइम खाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए सेंटर खुलने से एक फ़ायदा हुआ दीदी,
एक फायदा का हर दीदी को फायदा हुआ, कोई दीदी सब्जी वाली दीदी हो गए हैं, कोई दीदी गाय पैसा लेके गाय लिए हैं तो दूध देते हैं सेंटर पर, कोई दीदी खाना बना रहा है, कोई दीदी जीविका सहेलियाँ, कोई दीदी यहाँ की जो पौष्टिक लड्डू को जो सेंटर पर चला है जो पौष्टिक लड्डू बना है तो ट्रेनिंग लिए दीदी जाके, तो बुध मौसम लगा अथी बोध गया में तो दीदी लड्डू अपना बना के बेचे तो 1000 को लगाई थी पूंजी बन उनको 4000 रुपया हुआ था, 3000 उनको लड्डू में फायदा हुआ, तो बिजनेस एक दीदी अपना किया था बुध मौसम में किए थे। जो दीदी हमें देख रही हैं सेंटर चलाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अपना गांव में चला रहे हैं, आप लोग भी चलाइए, और हम लोग 2 वर्ष से चला रहे हैं, बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है, हम लोग शुरू में बहुत कठिनाई हुई थी लेकिन अब बहुत अच्छा है, आप लोग भी अपना गांव में चलाइए, हम लोग अपना गांव में गर्व से मिलजुल कर चला रहे हैं। हाँ दीदी, अगर हम लोग अपने गाँव में CNCC सेंटर चालू करवाएंगे।